सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दो दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने मैसूर में एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में कमीशन नहीं मिशन की सरकार चलाएंगे। इस सरकार को हटाने के लिए जन सामान्य को संकल्प करवाइए और लोगों में विश्वास पैदा कीजिए, अब कर्नाटक को कमीशन वाली नहीं मिशन वाली सरकार चाहिए। पीएम ने यहां पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई जो मैसूर से उदयपुर तक चलेगी। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में पीएम ने बाहुबली स्वामी की पूजा की और नए बाहुबली जनरल अस्पताल का शिलान्यास भी किया। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बॉर्डर पर चीन पर चौकसी रखने के लिए भारत के सुखोई 30 ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। आज उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान ने लैंडिंग की। पिछले चार दिनों में भारतीय एयरफोर्स का ये विमान उत्तराखंड में उड़ान का अभ्यास कर रहा था। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुखोई 30 की लैंडिंग के बाद बॉर्डर पर भारत और मजबूती से चीन को जवाब दे सकेगा। अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भारत चीन सीमा पर चंद मिनटों में मदद पहुंचाई जा सकेगी। सीमा पर तैनात सैनिकों को अब पहले के मुकाबले कम वक्त में रसद और दूसरे साजो सामान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। राज्य में 75 नगर पालिकाओं में से बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटों पर ही जीत मिली। अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। पीएम मोदी के पैतृक गांव वडनगर में बीजेपी ने 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। गुजरात में जीत के साथ ही बीजेपी ने यूपी के गोरखपुर, फूलपुर और बिहार के अररिया लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फूलपुर से बीजेपी ने कौशलेंद्र सिंह पटेल को तो कांग्रेस ने मनीष मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे से खाली गोरखपुर सीट पर उपेंद्र शुक्ला कांग्रेस की सुहरिता करीम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और हमारा जो नेतृत्व वर्ग है, जब जब जो मार्ग उसने हम लोगों को दिखाया, हम लोग एक अनुशासित सिपाही के रूप में चलने का कार्य किए हैं। बिहार की अररिया सीट पर बीजेपी ने प्रदीप सिंह को टिकट दिया है। तीनों सीटों पर 11 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 7 दिनों के भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय परिधान में पीएम ट्रूडो साबरमती आश्रम और अक्षरधाम मंदिर देखने पहुंचे। आईआईएम अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में भी पीएम ट्रूडो ने हिस्सा लिया। 23 फरवरी को जस्टिन ट्रूडो की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। 21 फरवरी को जस्टिन ट्रूडो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे। बिहार में 2 दिन बाद से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नया निर्देश जारी किया है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए समिति ने छात्रों को जूते मोजे की जगह चप्पल पहनकर परीक्षा हॉल में आने का निर्देश दिया है। सबका जूता खुलवा करके देखना कठिन लगता है, इसलिए निर्णय लिया गया कि भाई चप्पल पहन के खुलवाने की जरूरत नहीं पड़े। परीक्षा समिति के इस निर्देश का आरजेडी ने विरोध किया है। जो निर्णय लिया है उससे पूछिए कि भाई जूता, मोजा, कपड़ा, बंडी, सीएम के सभा में जा तो छाता हटा लो। बिहार में 1426 केंद्रों पर 21 से 28 फरवरी के बीच बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसमें 17,70,000 छात्र शामिल होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एन ए हारिस के बेटे मोहम्मद हारिस नलपत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मोहम्मद हारिस पर बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से हारिस फरार चल रहा था। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कबन पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर मोहम्मद हारिस नलपत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। 24 साल का मोहम्मद हारिस बेंगलुरु सिटी यूथ कांग्रेस का महासचिव भी है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।